जैसे महाभारत में अर्जुन थे, यहाँ उपस्थित नहीं है, वैसे ही इस महान भारत के अर्जुन ने आज विदाई ली 200 टेस्ट के बाद। तो भारत रत्न मिलने वाला है सचिन तेंदुलकर को, अगर ये कर्ण यानी अनिल कपूर साहब अगर कुछ कहें, अमान भी अगर ऐड करना चाहें। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैंने दोपहर को ही जब मुझे पता चला कि उनको भारत रत्न मिला, तो आई थिंक किसी ने अच्छा कहा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, इट्स डेफिनेटली इससे मेरे ख्याल से वेल डिजर्व्ड इंडियन कोई हो नहीं सकता। ही इज अ इंडियन ऑफ नॉट ओनली दिस सेंचुरी बट मेनी मेनी सेंचुरीज, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस यू कुड रियली इमेजिन एंड एज अ स्पोर्ट्समैन द ग्रेटेस्ट। बट उस किसी ने अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा कि इनको तो पूरी दुनिया का रत्न मिलना चाहिए थे, सिर्फ भारत रत्न नहीं, यू नो पूरे युग का रत्न मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड। ही इज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। So I think it's a, you know, it's a great send off, and I think nothing could be greater for a sportsman who's dedicated his life honestly, truthfully to the game. And you know, he's a true example of a great son, a great husband, a great father, a great sportsman, a great friend, and a great Indian. You know, flawless career as a human being, as a person, and I have been very, very fortunate to spend some time with him. I've met him at and spoken to him. Very down to earth, very, very understated, very normal. I wish everybody could be. कि उनको जितना जितना success मिलता गया वो उतने ही humble हैं। और मेरे ख्याल से अभी उनका career जो असली career है sportsman का, तो career आज वो उन्होंने रिटायरमेंट ली है और वो कल उनका लास्ट टेस्ट मैच था, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग आई थिंक ही हैज गॉट अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू दिस कंट्री एंड टू द वर्ल्ड, एंड आई थिंक आई एम श्योर आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस ग्रेट फ्यूचर व्हिच ही हैज अहेड एज अ ह्यूमन बीइंग। अमान, यू वांट टू ऐड कि 7 सालों का आपका परिश्रम और 5 बड़े-बड़े दिग्गजों को आप लेकर के आए हैं महाभारत के थ्रू, किस तरीके से इन लोगों से मिलना हुआ और सारे किरदार पे इन लोगों ने हामी कैसे भरी, हाँ क्यों कहा? सर आप ही क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरों को भी मौका दीजिए। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इनको सब दिग्गजों को लाने का श्रेय तो जाता है जयंती भाई को, तो आप ये सवाल उनसे ही पूछें। पहले तो थैंक यू सभी का आने के लिए, और सभी ने मतलब मेरी बात को मतलब सारा, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि अमित जी ने पहले बोर्ड पे आए, अमित जी ने ये पिक्चर रिजेक्ट करी थी कि मुझे कार्टून ना बनाइए, और अमित जी के लिए एक्चुअली अमन जी का 2 साल हमने ज़्यादा लिया कि पहले हमने एक डमी फिल्म बनाई और फिर अमित जी को दिखाई, उन्होंने दूसरे दिन हाँ बोली कि हाँ सुबह डबिंग करते हैं, और वैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद अनी जी आए, अजय जी आए, सभी ने रिस्पेक्ट दिया हमें, हम सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू that it's very difficult to rope even Anil Kapoor. You have already given all the positivity of Aman ji, and would it be too much to ask you that you were being the face of Karan?